गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज सुबह नहीं हो पाया हमारा ये आज का करंट अफेयर, तो हम अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आज है 24 जुलाई और आज के करंट अफेयर, सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़। यहाँ पर हमारे भारत के एक स्टेट झारखंड की बात की जा रही है। झारखंड ने रिसेंटली अपना एक प्लान रिलीज़ किया है, या बेसिकली बोलें विजन डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह कोशिश की जाएगी 2070 तक नेट ज़ीरो टारगेट प्राप्त करने की। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं झारखंड जो है सस्टेनेबिलिटी और लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाते हुए अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, रिलीज़ किया है। ठीक है, क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICC वर्ल्ड कप 2023। ICC वर्ल्ड कप 2023 भारत में होने वाला है, सभी को पता है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर अपॉइंट किया गया है शाहरुख खान को। पिक्चर में देखकर ही आप समझ गए होंगे। इन्होंने वर्ल्ड कप 2023 का कैंपेन लॉन्च किया है और इट टेक्स वन डे इस रूप में इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। होस्ट कंट्री तो पता ही है, इंडिया में होने वाला है। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच ये वर्ल्ड कप होंगे। 10 टीम्स टोटल पार्टिसिपेट करने वाली हैं और 13th एडिशन 2023 में ICC वर्ल्ड कप का होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर्स रिवाइज कर लेते हैं, बहुत दिनों बाद हम ये टॉपिक देख रहे हैं, है ना। तो पेप्सिको इंडिया के रणवीर सिंह हैं, MS धोनी वायकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर हैं, रोहित शर्मा जियो सिनेमा के हैं, लियोनल मेसी बायजूस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं, मनिका बत्रा और पलक कोहली दोनों एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, फिर सौरव गांगुली बंधन बैंक के हैं, युवराज सिंह T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड के हैं, यस्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर दोनों वीमेन क्रिकेटर्स हैं, और ह्यूंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, प्यूमा इंडिया के हरमनप्रीत कौर हैं, फिर नेशनल एम्बेसडर ऑफ द यूनिसेफ इंडिया आयुष्मान खुराना हैं, पेप्सिको इंडिया के रणवीर सिंह और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रसून जोशी। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। पिक्चर में देख रहे हैं कौन है ये, विराट कोहली हैं, 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेट ये बन गए हैं। साउथ अफ्रीका के जैक्विस कैलिस को हराकर, मतलब उनको पीछे छोड़कर ये उनसे आगे निकल गए हैं। और अगर इनका देखी जाए उपलब्धि तो 500 मैचेस में 559 इनिंग्स खेलते हुए 25,548 रन्स इन्होंने अपने पूरे किए हैं। ठीक है, तो 5th हाईएस्ट रन स्कोरर विराट कोहली। अब यहाँ पर स्पोर्ट्स करंट अफेयर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कुछ चीज़ें। तो विराट कोहली जो हैं 10th क्रिकेटर बने हैं इन हिस्ट्री टू मेक 500 इंटरनेशनल अपीयरेंसेज। फिर स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, ये बने हैं 2nd फास्ट बॉलर टू टेक 600 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। फीफा की रैंकिंग अनाउंस की गई है जिसमें इंडिया का स्थान कौन सा है, 99th नंबर पर है इंडिया इन द लेटेस्ट रैंकिंग। नेक्स्ट नाम है अंशुमन झिंगरन, ये बने हैं यंगेस्ट पर्सन टू क्रॉस नॉर्थ चैनल। सत्विक साईनाज रंकी रेड्डी, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है फॉर द फास्टेस्ट हिट बाय अ मेल प्लेयर इन बैडमिंटन इन द ऑन गोइंग कोरिया ओपन 2023। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने अचीव किया है एक हिस्टोरिक माइलस्टोन एट द रिसेंटली कंक्लूडेड 25th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 इन बैंकॉक थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज़ अप्लाइड टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप। तो रिसेंटली अल्जीरिया ने ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया है। अप्लाई करने के लिए मेंबरशिप फीस भी देनी पड़ती है कंट्रीज़ को। तो पहला कॉन्ट्रीब्यूशन अल्जीरिया का ब्रिक्स ग्रुप में कितना रहने वाला है, 1.5 बिलियन US डॉलर। अल्जीरिया की कैपिटल क्या है, अल्जीयर्स है। प्रेसिडेंट हैं यहाँ के अब्दुल मजीद टेबोन, अब मुझे नहीं पता मैं इसको प्रोनाउंस ठीक कर रही हूँ या नहीं, तो माफ़ कीजिएगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये कंट्री हमें अल्जीरिया देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रिक्स ग्रुप की बात हुई है तो ब्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रिक्स का मतलब क्या है, ब्रिक्स का मतलब 5 कंट्रीज से है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अभी ब्रिक्स की भी बात की जाए ना, तो ब्रिक्स स्टार्टिंग से नहीं था, 2001 में ये टर्म पहली बार जिम ओ नील के द्वारा, एक इकोनॉमिस्ट हैं ये, इनके द्वारा टर्म दिया गया था ब्रिक। ब्रिक टर्म 4 कंट्रीज़ के लिए दिया गया था, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, रशिया। कब दिया था, 2001 में। बाद में फिर ब्रिक एक ग्रुपिंग हुई और ग्रुपिंग में फिर बाद में साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ, जिसके बाद इसका नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है, इस ग्रुप में हम देखते हैं 5 कंट्रीज़ हैं और ये 5 कंट्रीज़ की पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन की 40% है और ग्लोबल इकोनॉमी का 26% इन 5 कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर
फिर आगे जाके क्या हुआ, ब्रिक्स की कंट्रीज़ ने ही मिलकर एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश किया, जिसको बोलते हैं हम न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर NDB। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। चेयरमैनशिप ब्रिक्स में रोटेट होती रहती है एनुअली, नाम के अकॉर्डिंग है, जैसे एक्रोनिम है ना इसका, जैसे ब्राज़ील के पास है, फिर तो नेक्स्ट ईयर रशिया के पास होगी, फिर इंडिया के पास, फिर चाइना, साउथ अफ्रीका, इस तरह से, ठीक है। तो ब्रिक्स समिट चेयरमैनशिप के अकॉर्डिंग ही समिट भी होती है उसी कंट्री में जिसके पास चेयरमैनशिप होती है। तो 2022 में चेयरमैनशिप थी चाइना के पास, तो समिट भी चाइना में हुई थी। फिर चाइना के बाद एक्रोनिम कौन सा आता है, साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका 2023। फिर हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो ब्रिक्स का जो बी है ब्राज़ील, वहाँ पर उसके पास चेयरमैनशिप देखने को मिलेगी और वहीं पर समिट होगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद जियो सिनेमा टू स्ट्रीम अ शॉर्ट फिल्म ऑन वीर लचित बोरफुकन। तो ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है, ये जो पर्सनालिटी हैं वीर लचित बोरफुकन, ये असम से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो जियो सिनेमा के साथ असम गवर्नमेंट ने ये पार्टनरशिप की है ताकि शॉर्ट फिल्म इनके ऊपर बनाई जा सके, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्री हीरोज़ हैं ये, और अभी 400th बर्थ एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट की जाएगी, उसी सेलिब्रेशन पे ये जो स्क्रीनिंग है शॉर्ट फिल्म की, ये की जाएगी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी। अहोम किंगडम जो असम का था, उसमें एक फेमस जनरल रह चुके हैं ये लचित बोरफुकन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ देख लेते हैं, क्योंकि अहोम किंगडम की हमने बात की है, तो रिलेटेड देख लेते हैं कुछ। हर्यक डायनेस्टी जो है बिंबिसार, इसके फाउंडर थे। नंद डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्मनंद। मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा फाउंड की गई। शुंग डायनेस्टी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसको फॉर्म किया गया। कण्व डायनेस्टी जो है वसुदेव, इसके फाउंडर थे। सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर थे शिमुख। चोला डायनेस्टी के विजयालय। पल्लव डायनेस्टी के थे बप्पा देवन। और चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर थे पुलकेशिन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड एन एडवांस अमाउंट ऑफ 100 करोड़ रुपीज़ फॉर द आयुष्मान भारत स्कीम। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आयुष्मान भारत स्कीम जो है ना, उसके लिए 100 करोड़ रुपये एडवांस दिए गए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है, अप्रूवल दिया गया है। आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को, मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करना 5 लाख रुपये पर बेनिफिशरी है ना, और बेसिकली पर फैमिली 5 लाख रुपये का सालाना मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करना फैमिलीज़ को, तो उसी के बारे में ये बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड 351 नगर वाटिका इन 14 सिटीज़। इसका आंसर भी होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डेवलप कर रही है 351 नगर वाटिका इन 14 सिटीज़ ऑफ UP। इन्हें वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत डेवलप किया जा रहा है, साथ में कुछ नंदन वन को भी क्रिएट किया जाएगा। और यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट क्रिएट किए जाएंगे, यहाँ पर योगा, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, फोटोग्राफी, फॉरेस्ट पाथिंग, इन सभी चीज़ों के लिए भी स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट टेबल्स कंट्रीज फर्स्ट गिग वर्कर्स बिल फॉर सोशल सिक्योरिटी। ये पिक्चर में देख रहे हैं, कहाँ के CM है ये, राजस्थान है ना। तो राजस्थान ऐसा पहले स्टेट गवर्नमेंट है बनी है, राजस्थान पहला स्टेट बन रहा है जो कि एक बिल रखने वाला है टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू गिग वर्कर्स। अच्छा, गिग वर्कर्स क्या होते हैं? गिग वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इनको शामिल किया जाता है, और ऐसी जॉब्स जो फिक्स्ड नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए जो जॉब्स ली जाती हैं। अब है डिलीवरी बॉय का काम है, वो भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं, या फिर डोर टू डोर कनेक्शन प्रोवाइड करना किसी चीज़ के, वो सारे जॉब्स इसके अंदर आते हैं, वो सारे वर्कर्स इसमें आते हैं, ठीक है। तो उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए राजस्थान लेकर आने वाली है पहला बिल। यहाँ पर राजस्थान के बारे में कुछ चीज़ें देखी जाए तो नॉर्दर्न इंडिया का एक स्टेट है, लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है बाय एरिया, और बाय पॉपुलेशन 7th लार्जेस्ट है। मेजर ट्राइब्स जो राजस्थान में रहती हैं, भील, ढाका, गरसिया, कथोड़ी। राजस्थान पहला स्टेट बना था टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल, जिसके तहत राइट टू साइट लोगों को प्रोवाइड किया जाना है। फिर लक्खी मेला जो है, इसको कैला देवी चैत्रा मेला भी के नाम से भी जाना जाता है, ये करौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में सेलिब्रेट किया गया। राजस्थान का रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी जो है, इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व बना है। रामसर साइट राजस्थान में है, सांभर लेक, केवला देव घाना नेशनल पार्क। और राजस्थान ही पहला स्टेट था जिसने राइट टू हेल्थ बिल को पास किया था। हु इलेक्टेड एज द चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल मेलोमा फाउंडेशन।
ये IMF ये भी है, लेकिन ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है, मेलोमा फाउंडेशन है। और यहाँ पर डायरेक्टर्स का जो चेयरमैन बोर्ड है, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें इलेक्ट किया गया है एस विंसेंट राजकुमार को। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। मेलोमा क्या होता है? ये है ना मेलोमा फाउंडेशन। मेलोमा, मल्टीपल मेलोमा इज अ कैंसर ऑफ द बोन मैरो प्लाज्मा सेल दैट मेक एंटीबॉडीज। ठीक है, तो इसी के लिए एक फाउंडेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, जिसमें ये अपॉइंटमेंट रिसेंटली की गई है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू सोमालिया? तो ये है नामग्या सी खाम्पा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। सोमालिया में इंडिया के एम्बेसडर के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया, एक महिला है। ठीक है, सोमालिया की बात की जाए, कैपिटल है मोगादिशु, करेंसी है यहाँ की सोमाली शिलिंग, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है अफ्रीका के मेनलैंड पर सोमालिया की ही, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये पार्ट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में चार कंट्रीज़ हैं, इथियोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती, और सोमालिया इन चारों में से ही एक है। एडमिरल लीजा फ्रेंचेटी बिकेम फर्स्ट वुमेन टू लीड विच कंट्री नेवी? इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, USA की ये बात हो रही है, पहली वुमेन है ये जो लीड करने वाली हैं देश की, USA की नेवी को, फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोजिशन। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु बिकेम फोर्थ इंडियन क्रिकेटर टू प्ले 500 इंटरनेशनल मैचेस? रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शामी या फिर रविचंद्रन अश्विन? करेक्ट आंसर कीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में, और PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो का यही होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।